एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ATGA माउंटेन लाइफ। और आप सभी का ATGA माउंटेन लाइफ में स्वागत है। आई नो मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा बिजी थी जिस वजह से मैं वीडियो ना तो बना पाई और ना ही कुछ डाल पाई यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और यादगार वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा गांव नौराधार आज से 12 साल पहले कैसा था और हमारा जो कुलिष्ट महाराज जी का मंदिर है, श्रीगुल महाराज जी का मंदिर गेलियों में जो है, वो आज से 12 साल पहले कैसा था, कैसा दिखता था, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो मैं कैसे डाल पा रही हूँ और कैसे आप तक पहुँचा पा रही हूँ, क्योंकि 2009 में हुआ था नौराधार में रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय का अखंड जाप कीर्तन, जो कि पूरे नौराधार गांव ने मिलकर किया था। नौराधार बाज़ार में एक शिव मंदिर है वहाँ पे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम सीडी बनाई थी और पापा जी ने ये सीडी बहुत ही संभाल के रखी थी। और अभी कुछ दिन पहले ही पापा जी ने हमें वो सीडी दी और कहा कि तुम लोग भी अपनी यादें ताज़ा करो 12 साल पहले की, कि तुम लोग कैसे दिखते थे, तुम लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, ये सब। तो हम लोग सिस्टर और मम्मी पापा बैठ के ये वीडियो देख रहे थे, तो हम अपनी 12 साल पहले की यादें ताज़ा कर रहे थे। और क्योंकि उस टाइम हम स्कूल में पढ़ते थे और घर का काम करके फिर स्कूल जाना, फिर अखंड जाप कीर्तन में भी जाना, वहाँ पे थोड़ा कीर्तन करना, फिर अखंड जाप कीर्तन से वापस घर आना, घर का काम करना, ये सब यादें हम लोग ताज़ा कर रहे थे जब हम इस वीडियो को देख रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये यादें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अपनी यादें ताज़ा कर सकें कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम स्कूल में ना ड्रेस भी अलग थी, अभी तो पूरा चेंज हो चुका है, नौराधार बाज़ार भी, मंदिर भी और स्कूल भी, स्कूल की ड्रेस भी, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग भी हमारे साथ अपनी यादें ताज़ा करें जो नौरा वाले हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो अखंड जाप कीर्तन है नौराधार में हुआ था, तो नौराधार में कितना ट्रांसमिशन अब हुआ है वो तो बहुत ही अलग है। और ये वीडियो बहुत लंबी है, अगर मैं एक ही बार में डालूंगी तो आई थिंक एक या दो घंटे में बनेगी, तो इसीलिए मैं इसकी 3 या 4 सीरीज़ डालूंगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप भी हमारे साथ अपनी यादें ताज़ा करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप 2009 में क्या कर रहे थे और स्कूल में पढ़ते थे या फिर जॉब वगैरह करते थे, ये सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ।
ओम गम देवानो जता